हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे मॉड्यूलस फंक्शंस की। मॉड्यूलस फंक्शंस बेसिकली जो हैं आपके 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में यूज़ होते हैं। जब आप 11th में मॉड्यूलस फंक्शंस के बारे में पढ़ते हो तो उसका इंट्रोडक्शन मैं जो है आज कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले मॉड्यूलस फंक्शंस होते क्या हैं, इसकी डोमेन और इसकी रेंज और कोडोमेन क्या होते हैं, हम उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। मॉड्यूलस फंक्शंस, मैंने यहाँ पे डोमेन और रेंज के हिसाब से इसकी वैल्यूज़ लिखी हैं। ठीक है, दिस इज़ नॉट द कोडोमेन, दिस इज़ द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, सो अ फंक्शन जिसकी डोमेन है रियल नंबर और इसकी रेंज जो है वो होती है आर पॉजिटिव यूनियन ज़ीरो। इसका मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। तो एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन जो है रियल नंबर की सारी वैल्यूज़ ले सकता है, लेकिन जो आंसर में देगा वो हमें हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर या फिर ज़ीरो वैल्यू में आंसर दे सकता है। ठीक है, इसका जो नोटेशन होता है वो है एफ एक्स इज़ इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स। दिस इज़ कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ एक्स। लाइक वट एवर द एंगल वी हैव इनसाइड दिस एफ, उसका हम मॉड्यूलस कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है अब मॉड्यूलस फंक्शन ऑफ एक्स। एक्चुअली होता क्या है इसमें, तो सबसे पहले जो है इस फंक्शन को हम ओपन किस तरह से करेंगे, एक्सपैंड किस तरह से करेंगे, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ एक्स। मॉड के अंदर जो भी पोर्शन होता है हमारे पास में, हमें सबसे पहले बात करनी होती है उसका टर्निंग पॉइंट निकालने की। तो यहाँ पर हम टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। शुरुआत में यहाँ पे करता हूँ आपको मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन से, इससे थोड़ा आप अच्छे से समझ पाओगे। मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन है हमारे पास में, तो टर्निंग पॉइंट इसका कैसे निकलेगा, हम टर्निंग पॉइंट निकाल सकते हैं वट एवर वी हैव इनसाइड द मॉड्यूलस फंक्शन उसको हम इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। लाइक मैं एक्स माइनस वन को ज़ीरो रखता हूँ तो मेरे पास में एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो ये जो एक्स इक्वल टू वन है ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। अब टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होगा, टर्निंग पॉइंट का मतलब है कि हमारे पास में कोई ग्राफ है वो लाइक वन पॉइंट है, एक्स इज़ इक्वल टू वन, तो वन से लेफ्ट में किसी और डायरेक्शन में हो सकता है और वन के बाद में किसी और डायरेक्शन में वो जा सकता है। ठीक है, तो एक ऐसे पॉइंट जहाँ से हमारा ग्राफ जो है टर्न होना शुरू होता है, दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड टर्निंग पॉइंट्स। तो यहाँ मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन में टर्निंग पॉइंट हमारा क्या है, वन है। अब क्या करेंगे कि इस टर्निंग पॉइंट के राइट साइड में वैल्यू क्या होगी और इस टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट साइड में वैल्यू क्या होगी। जैसे हमारे ये वन है और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वन से लेफ्ट में कुछ और तरह से फंक्शन जा रहा है, वन से राइट में कुछ और तरह से फंक्शन जा रहा है। तो वन का राइट मतलब जो नंबर वन से बड़े होंगे और वन का लेफ्ट मतलब जो नंबर वन से छोटे रहेंगे। तो इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन वन, वहाँ पर हमारा फंक्शन क्या रहेगा उसको देखते हैं, और जहाँ पर नंबर वन से छोटा रहेगा उसमें हमारा फंक्शन जो है क्या वैल्यू देगा उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है अगर टर्निंग पॉइंट से राइट साइड हम जा रहे हैं, इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, तो जो मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर होता है एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास में टर्निंग पॉइंट से लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो मॉड्यूलस के अंदर जो भी रिप्रेजेंटेशन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा, माइनस ऑफ वट एवर वी हैव इनसाइड द मॉड्यूलस। क्लियर, अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे किसी टर्निंग पॉइंट से। आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आपको। तो अब हम बात करते हैं मॉड्यूलस ऑफ एक्स की। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। मॉड्यूलस ऑफ एक्स में क्या होता है, देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इसका टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। तो टर्निंग पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, मॉड के अंदर जो भी है, जो कि मॉड के अंदर हमारे पास ओनली एक्स है, इसको मैं ज़ीरो रख देता हूँ। तो सीधे सीधे यहाँ से वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज कमिंग आउट ज़ीरो, दैट मीन्स ज़ीरो इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। तो अगर ज़ीरो टर्निंग पॉइंट है तो ज़ीरो से राइट साइड अगर हम जा रहे हैं तो इट विल गिव अस द सेम वैल्यू वी हैव इनसाइड द मॉड्यूलस, वो आ भी रहा है वैसे यहाँ पे। और अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये वैल्यू देगा माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा इनके ग्राफ को एक बार देख लेते हैं, इनका ग्राफ किस तरह से बनता है। सो 11th क्लास में जो है पॉइंट्स को यूज़ करके जो हम ग्राफ बनाते हैं, सो मैं यहाँ पे जस्ट डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि इनकी ग्राफ किस तरह से बनेंगे। दिस अपर वन इज़ अ ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन ऑफ एक्स।
यहाँ पर क्या हो रहा है, टर्निंग पॉइंट हमारा जीरो है, तो टर्निंग पॉइंट यहाँ जीरो है, यहाँ से हमारा ग्राफ जो है टर्न करना शुरू हो रहा है। टू द राइट साइड वी हैव, जो राइट साइड का ग्राफ है ऐसे है और लेफ्ट साइड का ग्राफ जा रहा है वो इस तरह से जा रहा है। राइट साइड का ग्राफ क्या देता है हमें, व्हेन वी आर मूविंग टू द राइट साइड ऑफ जीरो, तो वो एज इट इज वैल्यू देता है एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू भी एक्स आ रही है, और अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये दे रहा हमें माइनस एक्स, दैट मीन्स दिस लाइन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड दिस लाइन इज एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। सिमिलर केस इज हैपनिंग हेयर, एक्स का जो मॉड्यूलस फंक्शन सॉरी मॉड ऑफ एक्स माइनस वन है, वहाँ का टर्निंग पॉइंट है हमारा वन, तो अगर हम इसके राइट साइड जा रहे हैं तो राइट साइड में वैल्यू क्या आ रही है एज इट इज़, और लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है माइनस ऑफ एक्स माइनस वन।